हेलो फ्रेंड्स, आइए, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउटनेट पे। ठीक है, आज हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इन 5 सेकेंड। जस्ट 5 सेकेंड, जस्ट 5 सेकेंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हम कोई भी नंबर लेते हैं। मैंने कहा चाहे वो एक डिजिट का हो, दो डिजिट का हो, तीन डिजिट का हो, चार डिजिट का हो, पाँच डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने नंबर ले लिया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और देखेंगे हम उन नंबरों का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर पहला नंबर जो देखिए दिया हुआ था, मैंने कहा पहला नंबर मेरा दिया हुआ है 4096। ठीक है, हमें सबसे पहले, अगर मैंने कहा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें देखना क्या है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि आप जोड़े में पेयर बनाते हैं। तो मैथ में अगर अभी कभी भी आपको पेयर बनाना है, आप क्या करते हैं, राइट साइड से प्रश्न में देखिए आप पेयर बना लीजिए। मैंने कहा यहाँ पर दो दो का पेयर बनाएंगे तो ये 96 आ गया, अगले की संख्या 40 होगी, उसको मैं छोड़ देता हूँ। केवल मुझे आखिरी डिजिट पर देखना है कि दो का मैं पेयर बना लूँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पर आपके देखिए लिस्ट बना रखी है, और मैंने कहा कि आपकी जो यूनिट डिजिट संख्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, केवल आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर को पहचान लेंगे और पूरा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट क्या था, 6 था। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। मैंने कहा कि अगर मेरा प्रश्न जो है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर में क्या आएगा, 1 और 9 आएगा। अगर मैंने कहा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो आंसर क्या होगा, आंसर का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक उसका क्या होगा, 2 और 8 में से 1 होगा। अगर मैंने कहा कि मेरा प्रश्न का यूनिट डिजिट 6 है, तो आंसर क्या होगा, या तो आंसर का इकाई का अंक 4 या 6 में से 1 होगा। अब मैंने कहा आखिरी संख्या, अगर मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है प्रश्न के लिए, तो आंसर क्या होगा, या तो यूनिट डिजिट उसमें 3 होगा या तो 7 होगा। ये वैल्यू कैसे आई है, देखिए, मैंने यहाँ पर बेसिक आपको 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर भी लिख रखा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 1 हो गई। 2 का होता है 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4। 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 वर्ग। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 4 के लिए जब मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ तो ये क्या है, 6 है। और देखिए, 6 किसके यूनिट डिजिट, 6 यूनिट डिजिट और कौन सी संख्या के अंदर आता है, तो मैं देखेंगे आप 6 का वर्ग 36 होता है, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। 5 का वर्ग 25, तो यूनिट डिजिट 5। ठीक है, 7 का वर्ग अगर मैं देखूँ तो 7 का वर्ग का होता है 49, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 के वर्ग के लिए अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है, 64, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 के लिए 81, तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। और यही वैल्यूज मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में अब आ जाते हैं वापस से। और एक बात आपको, और देखिए, ये वैल्यूज तो आपको वैसे याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिए अगर प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट 1 है, तो आंसर या तो 1 होगा क्योंकि, और या तो 9 होगा, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है। ठीक, ये आपको पता है। और देखेंगे आप सब में, इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, सबका अगर मैं सम करता हूँ तो ये कितना होता है, 10। ठीक है, तो अगर आपको एक वैल्यू याद है, दूसरी वैल्यू आप 10 में से माइनस कर दीजिए, निकल आएगी। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 10। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा, और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो ये भी 10 आएगा। अब मैंने आपको कहा कि देखिए, नंबर्स जो होते हैं, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर आपको इस वीडियो में मैं परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट निकालना बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप नंबर पहचानेंगे कैसे, किसी भी संख्या के अंत में अगर 1, 4, 6, 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे उनका निकालेंगे, वो हमारी दूसरी वीडियो होगी। ठीक है, यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मेरा संख्या क्या थी, 4096। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या था, 6। तो 6 देखिए किसके किसके में आता है, 4 और 6 क्वेश्चन का। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। मैंने लिख लिया 4 या तो 6। अब देखिए, 40 अगर है तो ये कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्ग 40 के नज़दीक आता है, तो आप कहेंगे 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, तो देखिए, अगर ये 49 से ज़्यादा होता तो मैं क्या लिखता, 7 होता। ठीक है, 7 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी, और अगर ये क्योंकि 49 से कम है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब मेरी लड़ाई किसकी बची, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, यानी कि या तो ये 64 का वर्ग होगा या तो 66 का वर्ग होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि किसका वर्ग है। तो बस आपको अब करना क्या है, ये आपने 6 का वर्ग
और 7 का वर्ग आपको पता है लिख रखा है। आप ये जो 40 है ये संख्या बस यहाँ लिख लीजिए और देख लीजिए ये किसके ज़्यादा पास है, 6 के वर्ग के यानी कि 36 के, या फिर 7 के वर्ग के यानी कि 49 के। तो आप कहेंगे कि ये 36 के ज़्यादा पास है, 36 में 4 जोड़ता हूँ तो 40 आ जाता है, और 49 से अगर मैं देखता हूँ 40 तो 9 घटाना पड़ता, ठीक है। यानी कि ये 36 के ज़्यादा पास है यानी कि छोटी संख्या से पास होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये इसके ज़्यादा पास होता तो बड़ी संख्या आंसर आती, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 64। यानी कि इसका 4096 का स्क्वायर रूट मेरा कितना आ गया, 64, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए यही मेथड आपको, चाहे आपका प्रश्न 5 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, सब में यही लगाना है, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कितने डिजिट का नंबर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, 5329 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यही प्रोसेस आप निकालेंगे, और इस पर आप आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर टाइप करिए, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर हम 4 डिजिट का नंबर ले चुके हैं, अब हम 5 डिजिट का कुछ नंबर्स ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पर 5 डिजिट के कुछ नंबर ले रखे हैं, ठीक है। तो देखिए 5 डिजिट में मैंने 2 नंबर ले रखे हैं, 20449, और दूसरा नंबर क्या ले रखा है, 31684, ठीक है। तो देखिए 31684 का निकाल लें, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे अगर इसका स्क्वायर रेट निकालना है, ये 5 अंक का है, मैं पेयरिंग करूँगा यानी कि जोड़ा बनाऊँगा, तो मैंने पेयर किया, ये आ गया 84 और 316 मेरा बाहर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये यूनिट डिजिट कितना है इसका, 4 है, तो इसके लिए अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर में क्या आएगा, या तो 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 कवर करते हैं तो 4 आता है, तो यानी कि ये वैल्यू या तो 2 आएगी, और 8 कवर कितना होता है, 64, वहाँ पे भी 4 आता है तो या तो 8 आएगी। और इसको आप देखिए सम है ना 10, तो अगर 2 पता था आपको तो आप 10 में से माइनस कर देते तो 8 आ जाता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम खत्म, मैंने कहा अब मुझे ये एक वैल्यू मिल चुकी, आंसर की यूनिट डिजिट मिल चुकी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 316 अगर है तो 316 आप देखते हैं तो आप देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये किसके वर्ग के नज़दीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 17 का वर्ग देखूँ तो ये क्या होता है, 289, 289, ठीक है। और मैं 18 का वर्ग अगर देखता हूँ तो देखिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, ये मुझे पता है, तो ये वैल्यू कितनी है, 316, यानी कि ये क्या आएगा, 17 आ जाएगा। अब मेरी लड़ाई किसकी बची, 2 और 8 की, यानी कि यूनिट डिजिट में आंसर के या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक। तो देख लेते हैं 2 आएगा कि 8 आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, बस जो संख्या दे रखी है आप 17 के वर्ग और 18 के वर्ग के पास लिख लीजिए। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ गई, 316। अब देखिए ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 316 को अगर मैं देखता हूँ, ये 316 है, 316 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो 24 आ जाएगा, लेकिन ये 289 से तो बहुत दूर है, ठीक है। 11 पहले जोड़ूंगा तो 300 आएगा, फिर 16 और जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ से मैंने देखा कि 18 के ज़्यादा पास है, यानी कि बड़ी वाली संख्या की वैल्यू होगी हमारी, तो मेरा आंसर क्या होगा, 8 होगा, बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया, 178। तो मेरा 31684 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 178, यानी कि 178 का वर्ग होता है 31684, और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लिया हमने। ये सारे नंबर्स हमने जो देखे ये क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर थे, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो कि इन्हीं यूनिट डिजिट से ख़त्म हो रहे होंगे लेकिन नॉन परफेक्ट होंगे, उसके लिए भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे हमें उसका सोल्यूशन करना है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है, और इसका सोल्यूशन ये भी 5 डिजिट का है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। सो हमने इस वीडियो पर क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट इन जस्ट 5 सेकेंड। आपको एक बार प्रैक्टिस आपने कर ली ना तो आपको पेन और पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ठीक है। और डाउट नेट के और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रखी है, आपको करंट अफेयर के अगर आपको वीडियोज़ देखना है आप करंट अफेयर देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। इसके अलावा आप PCM के स्टूडेंट हैं तो PCM के लिए भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।